तो मैनावंती कहने लगी कि भाई भरतरी तेरे पास इसी दवाई हो के तू अमर हो जाएगा, आदमी उसके खाए थे तो तू न्यू करे, मेरा बेटा है गोपीचंद उसने अमर करा दे। तेने बोला ठीक से बेबे, मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूं, अगर जो कोई ऐसी दवाई होगी कमर हो जाएगा तो मैं जाकर बात करूंगा। अब भरतरी तो चला जाता है और एक दिन गोपीचंद अपना चौकी बिछा कर नहाने खातिर तैयार होया, कपड़े काट के बैठा और ऊपर छज्जे पर मैनावंती ने देखा तो गोपीचंद का शरीर देख के सोने के तरह शरीर चमक रहा था उसका, देख कर उस मन में सोचन लगी कि इसके बाप का भी ऐसा ही शरीर था और एक दिन वो माटी मिल गया और ये भी माटी में मिल जाएगा। तो उसकी आंखों से ये बात सोच के बूंद गोपीचंद की कड़ पर पड़ी, आंखों से आंसू लेकर के तो देख के आंसू ने अरसगुर दिन लखा के और गोपीचंद के कह लगे एक बात के द्वारा, गोपी चंद होया प्यार नान ने चौकी तुरत बछाई, गटा बादली ना अंबर में या बूंद कड़े ते आई, गोपी चंद होया ना अंबर में बूंद कड़ी ते आई, कुछ नहीं समझ में आया, गन बादल बरसात कर तू है हे ईश्वर तेरी माया, है एकदम किस्सा अचंबा हो जा है कापण लागी काया, बंद करया असनान उठ के चारों तरफ लखाया, बंद करया असनान उठ के चारों तरफ लखाया, वही छज्जे ऊपर नजर गई जड़ रोवे जननी माई, बादली ना अंबर में बूंद कड़ी ते आई, गोपी चंद होया जड़ में जाके पूजन लग्या, खोल बता मतारी मुंह ते बोली लकड़ता कोना, किसने बोली मारी है कौन सी रानी लड़ी तेरे ते, साच बता मैं तारी, एक मिनट की
देर नहीं करूं दर्द गर्दन न्यारी, एक मिनट की देर करूं ना गोपी संदी लाडला बेतारी, हिया गोपी संदी लाडला बेता बात कर तेरी सोनाई, गद्दा बादरी ना अंबर में खड़े पे आई गोपी चंद होया चोकी अंबर में खड़े पे आई। आख्या के मैं देख के आंसू मेरी छाती के मैं गाते, बड़ी बली करने आले का पण में सर के नाते, उस मानस का के जीना जिसकी दुखिया माते, जीवन में चाहे जिए पर जीवन का किरास है, जीवन में चाहे जिए पर जीवन का किरास है, हेरी होया हाल दे हाल तेरा तू दी किसने आन सताई, गट्टा बादली मैं बूंद खड़े से आई गोपी तंद होया जल केसी लगी तड़ी से है दौर जाके है बुझन लग्या ये गहरी दत पड़ी से, मेरी कमर में बूंद आन के लगी है जननी मत खड़ी से, तेरे मुंह ते बोली लकड़ता कोन्या तेरी कोई कोई चीज हरी से, मुंह ते बोल लकड़ता कोन्या तेरी कोई कोई चीज हरी से, हाँ जगन्नाथ के गोपी तन मेरे खड़े ते आई और गोपीचंद पास में गया।
और जाके एक बात के द्वारा के कहने लग गया, के बुझने लग गया अपनी मात वाला। न बोलारी न नाथ जलक जारी क्यों से के आज्ञा मा ख्याल तने हेरी नान छोड़ के है बुझन आया गोपी चंद तेरा लाल तने आज्ञा ते जल जारी क्यों से के आज्ञा मा ख्याल तने बुझने आया गोपी चल तेरा लाल तने माते दल तारी को से के आया मचाल तने ना छोड़ के बुझने आया गोपी चल तेरा लाल तने साची सच बता देरी माता है कौन सी सतन में काली तेरे मुंह का थूक सूखता आवे तेरे की जड़ी लाली सबके तन में ठाली सबके सबके तन में ठाली हेरी सो सो मन की दाल तने नाना छोड़ के बुझने आया नारी गोपी तन तेरा लाल तने नाना ते दल गोपी चंद ने अपनी माँ पे बुझी कि माँ तू क्यों रोवत है की बात से इतनी बात सुन के गोपी चंद की माँ मनावंती के कहने लगी भला हेरे सुन गोपी चंद हेरे सुन गोपी चंद तेरे बाप तेरे कैसी थी काया ईसा चलिया गया दुनिया में ते लटके फिर नहीं आया तेरे बाप की दरिया माया तेरे बाप की दरिया माया खाजा गायो काल तने आया गोपी चंद तेरा लाल तने ते नाम दल तारी को से के आया मचाल तने ना छोड़ के गुजरे आया गोपी चंद तेरा लाल करी भगवान करेगा सही फैसला आपस का चरलोकी का नाथ रहे बेटी सबकी नस नस का मरना जीना है किसके बता मरना जीना है किसके बता है यो के करा सवाल तने नारा छोड़ के पूजने आया गोपी चंद तेरा लाल तने Yeah.
सतगुरु के संग आ लक्ष्मी तन कह सतगुरु के संग तेरा मामा दूना लारिया सदा सदा तू है जिए दा न्यू मेरा मन तारा तेरा बर्तरी मामा आया तेरा बर्तरी मामा आया तेरे अमर करा तू पाल तले